हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि रीट एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेके है फ्रेंड्स। प्लस में ये भी इंक्रीजमेंट है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज़ होगी रीट एग्ज़ाम के कट ऑफ को लेके। लेटेस्ट अपडेट प्लस में वैकेंसी को इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी फ्रेंड्स, उसको लेके एक लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, रीट जो भर्ती प्रक्रिया है ये आपके राजस्थान बोर्ड द्वारा कराई जाती है फ्रेंड्स। और ये जो आपकी कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये अजमेर बोर्ड द्वारा आपकी कट ऑफ को निर्धारित किया जाता है। आप देख सकते हो राजस्थान हाईकोर्ट ने लेवल फर्स्ट में बीएड बीएससीडी वाले अभ्यर्थियों को योग्य माना है। इसमें बीएड की योग्यता रखने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल वन के लिए अयोग्य होकर बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कोचिंग एक्सपर्ट का तर्क है कि बीएड डिग्री के लेवल वन से बाहर होने के कारण लेवल टू में कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेवल वन में कम मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी फ्रेंड्स। ये कंफर्म हो गया कि आपकी कट ऑफ तो कम रहेगी। अब बात रही फ्रेंड्स आपकी कट ऑफ कितने से कितने के बीच में रहेगी फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो कट ऑफ को लेके मैं अपडेट दिखा देता हूँ आपको, आपकी कट ऑफ कितने से कितने में रहने वाली है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपकी जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगी 110 से 126 रहेगी, फीमेल के लिए 107 से 119 रहने वाली, ईडब्ल्यूएस के लिए 104 से 106 रहेगी, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 103 से 112 रहेगी, ओबीसी के लिए 106 से 118 और फीमेल के लिए 104 से 115, एमबीएस के लिए 104 से 115 और फीमेल के लिए 102 से 112, एससी कैंडिडेट के लिए 103 से 111, 98 से 107 फीमेल कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए 101 से 110 और फीमेल के लिए 95 से 102, पीडब्ल्यूडी के लिए 98 से 107 और जो फीमेल कैंडिडेट है 93 से 99 रहने वाली है फ्रेंड्स, जो ये आपकी रीट की कट ऑफ रहेगी लेवल फर्स्ट की फ्रेंड्स। अब बात रही फ्रेंड्स क्या आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी फ्रेंड्स, उसको भी लेके मैं आपको एक अपडेट दिखा देता हूँ जो कि वैकेंसी को लेके है फ्रेंड्स। आप भी ये अपडेट देख सकते हो फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है। आप देख सकते हो पदों का वर्गीकरण किया जाएगा, इसके आधार पे पारी पदों को पता लग सकता है। फिलहाल 31,000 पद तय किए गए हैं। राज्य सरकार पदों के वर्गीकरण कर सकती है लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है फ्रेंड्स। ये कंफर्म है कि आपके 31,000 पदों पे भर्ती है फ्रेंड्स। आप जो वैकेंसी इंक्रीज को लेके कह रहे हो फ्रेंड्स, इनकी तरफ से ये अभी तक का अपडेट है कि अभी संभावना काफ़ी कम है फ्रेंड्स। इतना है, पॉसिबिलिटी है पर काफ़ी कम है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।